गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ। ये लुक न्यूली ब्राइड के लिए हैं, जो अभी फ़िलहाल में इतनी सारी शादियाँ हुई हैं और शादी सीजन भी चल रही हैं। सो बहुत सारी ब्राइड कंफ्यूज होंगी कि वो किस तरह से लुक क्रिएट करें अपने ससुराल गेंदा फूल। सो ये उन्हीं के लिए है। आज मैं आपके साथ ये लुक शेयर की हूँ फुल डिटेल के साथ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब बिना बकवास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, तो सारा चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे डाबर का गुलाबरी रोज़ ग्लो फेस क्लींजर, जो कि कुछ इस तरह से है। ये छोटा सा है। अभी मैं इसे कॉटन की हेल्प से अप्लाई करूँगी। आराम से अपने फेस को क्लीन करूँगी। कोई भी मेकअप करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले। आपकी फेस जितना अच्छे से क्लीन रहेगी, प्रेप रहेगी, उतना ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप भी रहेगा। नाउ आई एम यूजिंग रोज ग्लो टोनर, जो कि गुड वाइब्स का है। पूरे फेस में इसे अप्लाई कर लूँगी एंड इसे ड्राई होने तक वेट करूँगी। अब नंबर आती है स्किन को मॉइस्चराइज करने की। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है मामा अर्थ का टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। देखिए जिनकी फेस ऑयली है वो इसे यूज कर सकते हैं। ये ऑयल कंट्रोल करता है, बहुत ही अच्छा है। मामा अर्थ का ऐसा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी बिकॉज ये न्यूली ब्राइड मेकअप है। देख सकते हो मैं अभी मॉइस्चराइजर लगाई हूँ और मेरी स्किन एकदम से शाइन करने लगी है। बहुत ही अच्छा है। कोई भी मेकअप करने से पहले आपकी स्किन अच्छे से प्रेप होनी चाहिए। ये बार बार मैं कहती हूँ कि आपकी स्किन अच्छे से प्रेप होनी चाहिए बिकॉज सच में अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप रहेगी तभी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड काफ़ी अच्छा दिखेगा। कहीं से पैची नहीं लगेगा एंड क्रीज भी नहीं पड़ेगी। बहुत लोग की मेकअप में क्या होता है ना कि क्रीज पड़ जाते हैं, तो क्रीज इसी वजह से पड़ते हैं क्योंकि आपकी स्किन अच्छे से प्रेप नहीं रहती। अगर आप मेकअप स्टार्ट कर चुके हैं तो उस समय अपने लिप को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपके जब तक मेकअप जब तक आप मेकअप कर रहे हो ना तब तक आपकी लिप भी मॉइस्चराइज हो जाती है। मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का यूज किया है, ये देखिए। जैसा कि अभी समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है सनस्क्रीन। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। सनस्क्रीन में मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती है, ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में अगर मैं ऐसे मतलब इस तरह से मैं करूँगी ना तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये क्रीमी फॉर्म में नहीं है, एकदम लोशन की तरह है, तो ये बाहर आने लगती है, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान देकर करना पड़ता है। बट अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा है। इसमें SPF 50 भी है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। बस ये कुछ इस तरह से गिरने लगता है, कुछ इस तरह से आता है। अप्लाई कर लेती हूँ एंड जो फेस के साथ साथ मैं नेक पे भी अप्लाई करूँगी एंड हैंड में भी यूज करूँगी मैं।
समर में ऐसे भी सनस्क्रीन आप पूरे बॉडी में भी यूज कर सकते हो, सन से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब नंबर आती है प्राइमर की, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं कौन सा प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो टनटना, ये काफ़ी छोटा सा है। एक्चुअली मैं नाइका या पर्पल पर से आप कुछ भी सामान मंगाते हो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको कुछ ना कुछ वो गिफ्ट्स देते हैं, तो उसी में से मुझे ये गिफ्ट रिसीव हुई थी जो कि एन वाइब का प्राइमर है। बहुत छोटा सा है, मैंने इसको यूज़ नहीं करा है अभी तक, सो अभी मैं इसे अनपैक करूँगी, देखती हूँ कि ये कैसा है प्राइमर, काम का है या नहीं। ऐसे इसमें से जो ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे नहीं चाहिए, आप देख सकते हो मैं टी जोन एरिया पे पहले अप्लाई करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑयल आते हैं वो टी जोन एरिया से ही आते हैं, तो मैंने टी जोन एरिया पे ही अप्लाई किया है। या स्मूथ गाइस, ये स्मूथ है, तो अब मैं इसे पहले अच्छे से अप्लाई कर लूँगी टी जोन एरिया पे, एकदम से हल्के हाथों पे। आप अगर स्किन पे कुछ भी अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप एकदम से हल्के हाथों से अप्लाई करो, क्योंकि स्किन को ना ऐसे मतलब हानि नहीं होती, मतलब चोट नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे अप्लाई जो करो तो मतलब हल्के हाथों से अप्लाई किया करो, अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी। मैंने जो टी जोन एरिया पे लगाया था उसी को मैं पूरे फेस में अप्लाई कर ले रही हूँ। पहले मैंने उस टी जोन एरिया पे अप्लाई किया, देन मैंने पूरे फेस पे भी उसे इस तरह से अप्लाई कर लिया। सो स्मूथ, अब देख सकते हो काफ़ी स्मूथ हो गई है मेरी स्किन। अब मेरी स्किन पूरी तरह से तैयार है मेकअप के लिए, तो चलिए मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन, जो कि एकदम मैट है, इसमें प्राइमर भी मिक्स है। मेरा सेट नंबर है 120, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब मैं इसे इस तरह से डॉट बनाते हुए पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी। अब मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर ब्लेंड करूँ। फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले मैं अपने फाउंडेशन ब्रश पे मेकअप फिक्सर अप्लाई करूँगी। देन अप्लाई करूँगी। इससे आपकी क्या होती है कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। देख सकते हो बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है। आई को भी मैं थोड़ा कवर करूंगी।
अब मैं यूज करने वाली हूँ सीओज ब्यूटी का कंसीलर। वाइब का कंटूर तो सबसे पहले मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। हल्के हाथों से एकदम डैब डैब करना है आपको, एकदम से ऐसे ऐसे नहीं करना, हल्के हल्के से करना है ताकि आपका जो कंसीलर है अच्छे से ब्लेंड हो सके, पैची नहीं लगे, क्रीज नहीं पड़े। मैं यूज करने वाली इन साइड का बनाना लूज पाउडर। मैंने अच्छे से पाउडर को मिक्स कर लिया। मैं अब आईब्रो को फिल करने के लिए यहाँ पे ब्लैक आई शैडो यूज कर रही हूँ। कभी भी शैडो को उठाने के बाद डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, आप इसे एक्स्ट्रा जो शैडो है उसे निकाल दीजिए, देन अप्लाई कीजिए। एक स्पूली की मदद से मैं इसे कॉम कर लूंगी। मैंने पीच कलर लिया था एंड यहाँ पे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक मैंने इस तरह से इसे ब्लेंड किया है। अब मैं यहाँ पे मरून कलर ले रही हूँ, इसे मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। एकदम हल्के हाथों से मैंने आउटर कॉर्नर पे इसे अप्लाई कर लिया है। ले रही हूँ रेड कलर और इसे मैं अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ गोल्डन कलर, अपने फिंगर की हेल्प से ही इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। अब मैं कंसीलर की मदद से जो भी एक्स्ट्रा जो फॉल हुए हैं मेरे आई शैडो उसे मैं क्लीन कर लूंगी। अब मैं यूज करने जा रही हूँ इन वाइब का आईलाइनर। मस्कारा में मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का मस्कारा यूज कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। ब्लू हेवन का काजल,
हाफ वाटर लाइन पे यूज करूंगी। अब मैं ब्लैक शैडो से अपने काजल को लॉक करूंगी। रोमांटिक ब्यूटी पैलेट से मैंने ब्लश उठाया है एंड जितना एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल दूंगी। यूज ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। मैं एस्यूज ब्यूटी का मेकअप फिक्सर से अपने पूरे मेकअप को फिक्स करूंगी। एंड लास्ट मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का लिपस्टिक लिया है जो कि शेड नंबर है 1। गाइज दिस इज माई फाइनल लुक, कैसा लगा आप सबको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।